फाइनली मैंने स्वीट टूथ नाम की जो वेब सीरीज है उसको देखे खत्म कर डाला। और बॉस इसको खत्म करने के बाद मैं सिर्फ एक ही बात बोलूंगा कि इसको आप अभी की अभी पूरी फैमिली के साथ बैठ करके एंजॉय कर लो। वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज इस हफ्ते की आपको ये देखने को मिलने वाली है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप जाकर के इसको हिंदी में भी देख सकते हो, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज मेरे हिसाब से इस हफ्ते की होने वाली है। वैसे देखो काफी सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वेब सीरीज है ये डीसी की कॉमिक्स की एडेप्शन है और इस वेब सीरीज को प्रोड्यूस किया है रॉबर्ट डोनी जूनियर ने, यानी कि हमारे टोनी स्टार्क ने, जिन्होंने आयरन मैन का रोल प्ले करके मार्वल से काफी अच्छा खासा पैसा कमाया और अब डीसी के अंदर आकर के वहां की वेब सीरीज को प्रोड्यूस करने लग गए। ऐसा कमाना कोई रॉबर्ट डोनी जूनियर से सीखो भाई, पहले मार्वल में टोनी स्टार्क का रोल प्ले करके इन्होंने दमदार पैसा बनाया और उसके बाद डीसी की कॉमिक्स को प्रोड्यूस करके इन्होंने उस पैसे को डबल कर लिया। स्वीट टू जो वेब सीरीज है ना, ये फुल ऑन एडवेंचरस वेब सीरीज है, यानी कि जब भी आप किसी एडवेंचर मूवी को देखते तो आप लोगों को क्या मिलता है, बढ़िया VFX और बढ़िया ग्राफिक्स सीन, वो सारी चीजें आपको इस वेब सीरीज के अंदर भर भर के देखने को मिलने वाली है। अब देखो वैसे तो स्वीट टूथ नाम की जो कॉमिक्स है उसको काफी सारे लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, तो उन लोगों को पता है कि इस वेब सीरीज के अंदर उनको क्या देखने को मिलने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये जो वेब सीरीज है इसकी जो मेन कहानी है वो गैस नाम के कैरेक्टर के ऊपर है, जो कि एक हाइब्रिड लड़का है, ना तो पूरा इंसान है ना पूरा जानवर है। इसके सर के ऊपर हिरण की जैसे दो दो सींग है, कान जो है उसके बहुत बड़े हैं, लेकिन बाकी का जो शरीर है वो इंसानों वाला है, यानी कि दो हाथ दो पांव और एक दिल। खैर एक तरफ जहां पे पूरी दुनिया जो बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है, वहीं पे गैस के जो फादर है वो उसको जंगल में ले जाते हैं और काफी टाइम जंगल में रहने के बाद जब उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो फाइनली बाहर निकलता है अपनी मदर को ढूंढने के लिए। क्या वो अपनी मदर को ढूंढ पाएगा और इस एडवेंचरस जर्नी के अंदर उसको क्या क्या नई नई चीजें डिस्कवर करने को मिलेगी, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज को देखना पड़ेगा। 8 एपिसोड इस वेब सीरीज में आपको देखने को मिलने वाले हैं और हर एक एपिसोड आपको कुछ ना कुछ नया दिखाने की कोशिश जरूर करेगा। वेब सीरीज के अंदर जिस तरीके से इसके BGM के ऊपर काम किया और जिस तरीके का आपको VFX देखने को मिलता है ना, वो बहुत ही लाजवाब है, यानी कि आपको एक पल के लिए अवतार वाली फीलिंग आने वाली है। मतलब कि जिस तरीके के बड़े बड़े ड्रोन शॉट, जिस तरीके के बड़े बड़े सीनरी वाले आपको शॉट देखने को मिलते हैं इस वेब सीरीज के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपकी आंखों को ठंडक देने का काम करते हैं। थोड़ी बहुत एक्शन सीन के साथ में इस वेब सीरीज के अंदर आपको थोड़ी बहुत गालियां भी सुनने को मिलने वाली है, लेकिन वो जो गालियां हैं वो इतनी ज्यादा भद्दी नहीं होने वाली, तो आप इस वेब सीरीज को अपनी फैमिली के साथ तो 100% एंजॉय कर सकते हो। और मैं रिकमेंड करता हूं अगर आपके घर में बच्चे हैं तो उनके साथ तो इस वेब सीरीज को जरूर देखना, क्योंकि ये वेब सीरीज जो है एक्चुअली में बनाई तो बच्चों के पर्पज से है, बट इसको एडल्ट्स भी एंजॉय कर सकते हैं। और जिस तरीके का रेस्पॉन्स इस वेब सीरीज का अभी तक निकल के सामने आया है, तो उसके हिसाब से तो इस वेब सीरीज के अगले सीजन के ऊपर डेफिनेटली बहुत ही जल्दी काम स्टार्ट कर दिया जाएगा। वेब सीरीज के अंदर आपको और भी काफी ज्यादा चीजें देखने को मिलती है, जिसकी इंसान की जो दुनिया है वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इंसान पहले आए या वायरस या फिर हाइब्रिड लोग जो है वो पहले आए, ये काफी सारी चीजें जो है वो आपको इस वेब सीरीज के अंदर देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल जो वेब सीरीज है फुल ऑन एडवेंचर वेब सीरीज है, जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई है। अगर आप लोगों ने इस वेब सीरीज को ऑलरेडी देख लिया है तो मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये वेब सीरीज कैसी लगी। साथ में इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर कहीं से भी घूमते फिरते आ जाते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करना ताकि जितने भी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए डू गुड बी गुड, पीस आउट।